हाय फ्रेंड्स, वेलकम इंटेलिजेंट एसी। आज हम इस मोबाइल की स्क्रीन जो है वो उल्टी हो चुकी है, इसको सीधी करेंगे। हॉरिजॉन्टल हो चुकी है तो ये देख सकते हैं आप, टोटली ये उल्टी हो चुकी है। ये करना बहुत इजी है, मैं फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इस मोबाइल को खोल लेते हैं, इसके सिम्स वगैरह जो कार्ड्स वगैरह हैं वो निकाल लेने होंगे। और इसको जो स्क्रू ड्राइवर लगता है आप देख सकते हैं, स्क्रू के मुताबिक वो ले लेना होगा। और इसके स्क्रू वगैरह जो है वो लेंगे हमें। जी, इसके स्क्रू वगैरह हम खोल लेते हैं। अभी ये खुल चुका है। तो जी दोस्तों, इसके स्क्रू वगैरह खुल चुके हैं, तो अभी इसको केयरफुली खोल लेना होगा। अगर आपके पास एक्सरे वगैरह या आपके नाखून है तो आप उसकी मदद से भी इसको खोल सकते हैं। हमें इस तरीके से खोलना होगा कि इसकी जो बॉडी है वो डैमेज ना हो। इसके जो क्लिप्स हैं बहुत ज़्यादा टाइट हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगी। तो हमें क्या करना होगा, इसकी LED जो है उसको उल्टी करके, इसकी जो LCD है उसे उल्टा करके, उसके जो पॉइंट्स हैं उसको रीसोल्ड करना होगा। ये टोटली जितने भी पॉइंट हैं इसके, उसको रीसोल्ड करना है। तो बिल्कुल केयरफुली करना है ताकि हमें नई LCD जो है वो ना डालनी पड़ जाए। हम इसी LCD को चलाएंगे, ये बेहतरीन तरीके से चलाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल एहतियात के साथ, आराम के साथ हम इसको कर रहे हैं। इसके टोटल जितने भी पॉइंट होंगे, हर पॉइंट को किसी भी तरह के पॉइंट हो सकते हैं। ये L शेप में है तो आपके पास किसी भी तरह के हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी जो LCD है वो बिल्कुल सीधी हो चुकी है जी। तो अभी हम इसको वापस बंद कर लेते हैं, वापस बंद करके इसको ऑन करके चेक करेंगे फिर से। इसके जो स्क्रू वगैरह हैं उसको वापस टाइट कर देते हैं। दोस्तों ये करना बहुत ईजी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। अब अगर मार्केट में इसको लेकर जाएंगे तो वो कहेंगे कि इसकी जो LCD है वो चेंज होगी। हालांकि वो इसकी LCD भी चेंज नहीं करेंगे, मगर फिर भी वो आपसे पैसे ले सकते हैं LCD चेंज करने के। ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ इसके लिए आपको सोल्डर आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं अगर आपकी LCD वाइट हो चुकी है तो वो भी 50% ठीक हो जाती है इसी तरीक़ाकार से। तो कुछ कोड की मदद से भी होती हैं, कुछ हार्डवेयर कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह का मसला आ जाता है इनमें, जो सॉफ्टवेयर की मदद से होती है। वो भी कुछ कोड्स वगैरह होते हैं, तो कोड डायल करने के बाद वो उल्टी हो जाती है, फिर से कोड लगाने के बाद सीधी हो जाती है। वो चीज़ जो है वो ज़्यादातर नोकिया के मोबाइल में चलती थी, चाइना में भी है मगर बहुत कम में। आप कोशिश करिएगा कि आप खुद ही करें इसको। अभी हम वापस इसके सिम वगैरह डाल देते हैं इसके अंदर। दूसरी सिम को भी इसी तरह इसके अंदर डाल लेंगे। अभी हम मोबाइल को दोबारा से ऑन करते हैं। ये हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।